आप लोग? आप लोग अच्छे हो? हम भी अच्छे हैं। अपने पापा को पढ़ा रहा है, बहुत सीख लिया, मुझे सर्टिफिकेट दे दो। डॉक्टर के पास कह रही हूँ कि चलते हैं, दिखा लेते हैं, क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं तब तक कैसे पता। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेशमा खातून एसेट सर्वाइवर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों में खुश और अच्छे होंगे। तो आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ गाइस, और भी अच्छी हो सकती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल पे विजिट करें और मुझे मेरे वीडियो को शेयर। बोलने दो, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, रश चाहिए, भूख लगी मेरे बच्चे को। अर्श को भूख लग गई। क्या चाहिए अर्श? क्या चाहिए अर्श को? अर्श को चलो बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे हो? हम भी अच्छे हैं। इधर देख अर्श, बोलो हमारे चैनल को, बोलो हमारे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए वो कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। लीजिए, अब तो अर्श ने भी बोल दिया, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को विजिट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। गाइस, लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि मैं कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, मैं कहीं भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यूट्यूब में थोड़ा आगे बढ़ूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज और बना सकूँ। अपने पापा को पढ़ा रहा है। पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। अब बैड में भी पढ़ाएगा वो, बता। वो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, वो भी परेशान हो गए उसके पापा। अब कह रहे बस मैंने बहुत सीख लिया, मुझे सर्टिफिकेट दे दो। पढ़ाओ पढ़ाओ, क्या पढ़ा रहे हो? ये देखो शैतान बच्चा, ये देखो, बता मेरे ऊपर बैठ रहा है, बता मेरे कंधे पे बैठ। ये देखो शैतानी, देख ले मेरे तो बैठ। नहीं बेटा, पापा के शोल्डर में दर्द है, वहां से उतर जा। अर्शु बैठ गया, मतलब वहीं बैठा है मुंह पे। बताओ ये देखो कहाँ बैठा है ये लड़का, कितना शैतान है ये। इतनी बदमाशी नहीं करते बेटा। ये कोई टेबल है जहाँ पे बैठा है तू? हाँ देख रहे इसकी शैतानी, उधर गया। अर्शु क्या कर रहा? ये मेरा छोटा सा क्यूट सा परिवार, ये देखो छुली का चल रहा फाइट, और मैं साइड हो जाती हूँ तो मुझे भी पड़ जाएगी ठुम, क्योंकि इसका गुस्सा आता है एकदम भूम जाएगा मुंह पे मेरे। काश, मतलब जानबूझ के नहीं मारता है, और लेकिन मुझे तो नहीं, अपने डैडी को ढुशुम ढुशुम करता। कहाँ कहाँ मारता है गोलू? इसके हो रहा है यहाँ पे शोल्डर में दर्द, और अर्श ज्यादातर आके इसके शोल्डर में बूम बाम मारता है। वैसे समझ नहीं आ रही क्या हुआ तुम्हारे शोल्डर को? पता नहीं कितने दिन से हो रहे, एक हफ्ता हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ इनके शोल्डर में, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसके वजह से वो कहीं जा भी नहीं पा रहे। रात को इतना दर्द होता है कि पूरी रात वो सो नहीं पाते, तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि हुआ क्या है। डॉक्टर के पास कह रही हूँ कि चलते हैं दिखा लेते हैं, क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सुनते भी नहीं, जाते भी नहीं। मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, नहीं है ना, आ नहीं है ना। अगर होता तो मेरी बात मानते ना, मेरी बात ही नहीं मानते बिल्कुल भी, तो इसका मतलब यही है ना। वो कहते ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे देखो, सबके लाइफ में हर प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है,
तो डॉक्टर ज्यादा ज्यादा कितना ले लेगा, 500,000 रुपये खर्च हो जाएंगे मेडिसिन उसमें। अब इनको यही प्रॉब्लम होती कि नई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो कैसे, वो तो हर घर का ही प्रॉब्लम होता है ना, सबका सबके घर में प्रॉब्लम है। ये बात अलग है कि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होती है ना। तो अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम ऐसे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो फिर कैसे होगा। तो यही बात मैं इनको हमेशा समझाती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, अगर दर्द हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता ही ऐसा होता ना, गाड़ी का जैसा दो पहिया है ना, एक टूट गया तो एक संभालेगा। तो वही बात ही इनको मैं कहती हूँ, कोई बात नहीं, जैसे भी हम चल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, तो जैसे भी प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ भी आएगी, हम मिल बांट के पिछले 4-5 सालों से संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें मिल के ही करना है, तो चलते हैं। लेकिन बिल्कुल बात नहीं मान रहे, कोशिश करूँगी कल इनको मैं ज़बरदस्ती लेके जाऊँ डॉक्टर के पास, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इतना दिखाई देता नहीं कि मैं इनको भाग दौड़ कर सकूँ। और रही मेरी सास, उनकी भी एज हो चुकी है, तो वो भी इतना भाग दौड़ नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए मैं इनको समझा रही हूँ कि चलते और जाके जो है डॉक्टर दिखा लेते, लेकिन मान नहीं रही है। वही बात है, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा इनके लिए कि जो भी प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम हो रही है ठीक हो जाए जल्दी, क्योंकि हस्बैंड की जगह जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता है ना। तो बस यही बात है। ये हर्ष यहाँ पे क्या कर रही है।